स्वागत है आप सबका अपना चैनल एमएस गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको श्री गुरु रामदास जी की साखी सुनाएंगे। भाई सोमा शाह। एक दिन झेलम का एक व्यापारी सोमा शाह अमृतसर में गुरु रामदास जी से मिलने आया। झेलम में उन्हें एक स्थापित व्यवसाय माना जाता था, लेकिन जब उसने गुरु और नगरवासियों को देखा तो उसने हमेशा के लिए वहीं बसने का मन बना लिया। अपनी आजीविका के लिए उन्होंने पवित्र तालाब के पास एक छोटी सी दुकान खोली। कुछ ही समय में उनका व्यवसाय अच्छी तरह आगे बढ़ गया, लेकिन वह बिल्कुल भी लालची नहीं थे। जब वे संतुष्ट हो जाता कि उसने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कमाई कर ली है, वह अपनी दुकान बंद कर देते थे और स्वयं को गुरु की सेवा में लगा देते थे। गुरु की नजर उसके व्यवसाय और सेवा पर भी थी। एक दिन गुरु उसकी दुकान पर गए और बोले, भाई सोमा शाह, आज तुमने क्या कमाया? भाई सोमा शाह उठे और गुरु को प्रणाम किया। फिर उसके पास जो पैसे थे उसने इकट्ठा कर लिया। उस दिन की कमाई रकम गुरु को सौंप दी। गुरु ने वह राशि ली और मजदूरों को बांट दी। गुरु के इस कार्य से भाई सोमा शाह बहुत प्रसन्न हुए। उसने सोचा कि उसकी कमाई से गुरु की सेवा हुई है। गुरु प्रतिदिन शाम को भाई सोमा शाह की दुकान पर जा रहे थे। छठे दिन जब गुरु भाई सोमा शाह की दुकान पर गए तो उन्होंने तुरंत उस दिन की बिक्री गुरु को सौंप दी। गुरु उसकी संतुष्टि और संतोष देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और इन शब्दों का प्रयोग किया, सोमा शाह बेपरवाह गुरु का शाह। गुरु के आशीर्वाद के कारण वह अमृतसर के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक बन गए। हालांकि वह बहुत व्यस्त व्यापारी बन गया था, फिर भी उसने बड़ी निष्ठा से गुरु की सेवा की। वे सुबह और शाम को दरबार में उपस्थित होता था। उन्होंने लंगर रसोई में भी बड़े आनंद से सेवा की। उनके साथ उनका परिवार भी जाता था और वे भी लंगर सेवा में हाजिर होते थे। लंगर में सेवा के लिए वे पानी लाते थे, भक्तों को भोजन वितरित करना और बर्तन भी साफ करते थे। उनके पुत्र राम शाह भी गुरु के प्रिय सिख थे। उन्हें गुरु अर्जन देव द्वारा मुल्तान के प्रचारक के रूप में नियुक्त किया गया था। साखी सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद। अधिक सिख ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहे गुरु जी दा खालसा, श्री वाहे गुरु जी दी फतेह।